अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों अभी भी इमिग्रेशन को लेकर, पीसीसी को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट में आ रहे हैं, जिसका जवाब मैं उसमें रिप्लाई में नहीं दे सकता, क्योंकि रिप्लाई में देने से आदमी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाकर अच्छे से उन लोगों को समझा दें कि क्या सवाल है उनका और जवाब उसका क्या होगा, ताकि उनके दिलों में से जो डर है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के सवाल नहीं भी होगा, वो भी लोग इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि हो सकता है इसमें आपका भी सवाल छुपा हुआ हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले सवाल मैं आपको इमिग्रेशन के हवाले से कुछ सवालों को जवाब दे देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कमेंट आया है साउल खान का, और बोलते सर मेरा सर पहले मेरा पासपोर्ट ईसीआर था, मैंने 8 साल बाद अपना पासपोर्ट सऊदी अरबिया जेद्दा में रिन्यूअल करा लिया था, तो क्या मेरा भी इमिग्रेशन होगा? भाई अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर था और 8 साल पहले आपने जब सऊदी में रिन्यूअल करा दिया, तो आपका हो सकता है कि ईसीएनआर हो गया हो। ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, बैक साइड में जाइए, पासपोर्ट के बैक साइड में जाकर वहां पर देखिए, अगर चेक इमिग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वहां पर चेक इमिग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है जो बैक साइड में आपके पासपोर्ट के, तो आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपका उसका पहचान होगा। ठीक है ना, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सऊदी में जब भी आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराएंगे तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली ईसीएनआर हो जाता है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगला सवाल आया हमारे पास अजहर शेख का, इन्होंने कल मुझे मैसेज किया था, मैंने सोचा तो बहुत मुझे अफसोस हुआ कि इन बेचारे के साथ में ऐसा हो गया। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सर मैं दुबई जा रहा हूँ विजिट वीजा पर, बट मेरा ईसीआर पासपोर्ट है, मैं इंजीनियर हूँ, बट मेरा पासपोर्ट एजेंट ने मिस्टेक से ईसीआर पासपोर्ट बना दिया है, अब मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, मुझे जॉब सर्च के लिए जा रहा हूँ। भाई इसमें आपको जॉब सर्च के लिए जाने इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली है, आप इसमें घबराइए मत बिल्कुल भी, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम, जॉब के लिए पासपोर्ट ईसीआर ईसीएनआर कोई मायने नहीं रखता है, आप बेफिक्र जाकर अपना जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बताऊँ, आप चाहें तो इसको आप ईसीएनआर करा सकते हैं, जब आपका इंजीनियर है, इंजीनियरिंग किए हैं आप, तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली ईसीएनआर हो जाएगा। जैसे ही आप पासपोर्ट रिन्यू कराने जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरा पासपोर्ट ईसीएनआर कर दो, आपका पासपोर्ट ईसीएनआर हो जाएगा, आप घबराइए मत। अगर अभी आप वीजा, अगर आपके पासपोर्ट पे अगर वीजा इशू नहीं हुआ अभी तक, तो अभी भी आपका आपके पास चांस है, आप पासपोर्ट ऑफिस जाइए, उनसे बोलिए कि भाई मेरा पासपोर्ट ईसीएनआर कर दो, ईसीएनआर कर देंगे। और अगर आपका पासपोर्ट, अगर वीजा इशू हो गया आपके पासपोर्ट पे, बेहिचक जाइए दुबई, जाइए दुबई जाने के बाद वापस लौटें दुबई से, तो फिर अपना पहले पासपोर्ट ईसीएनआर करा लें, फिर कोई काम आगे बढ़ाएं। ठीक है ना भाई। और अगला सवाल आया इसी के हवाले से आपसे, एक किए हैं हरिओम भरी, आप एक चीज़ बताएं कि जिसका पासपोर्ट ईसीआर है, वो ईसीआर हुआ, उसका वीजा स्टंप हुआ है इंडिया में, वह वाया दुबई होकर आएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं? भाई इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इंडिया के एयरपोर्ट पर बच के रहना होगा, क्योंकि इंडिया के एयरपोर्ट पे ही थोड़ी बहुत चेकिंग हो रही है। अगर इंडिया के एयरपोर्ट से आप निकल गए तो आपका कहीं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी। सऊदी आने के बाद 3 साल रहे सऊदी में, काम कीजिए, 3 साल के बाद अपना पासपोर्ट ईसीएनआर करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको इंडिया में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस बारे में, ताकि आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अभी पीसीसी के हवाले से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, पीसीसी के हवाले से मैं आपको बता दूँ, पहला जो सवाल आया है जितेंद्र कुमार का, ठीक है, जितेंद्र कुमार जी बोलते हैं हेलो सर जी, इमिग्रेशन होने के बाद पीसीसी चाहिए नाम, सर जी मेरा इमिग्रेशन 25 अगस्त हुआ है तो क्या पीसीसी लगेगा? इनका सवाल का जवाब यही है, ये सवाल यही बोल रहे हैं कि मेरा इमिग्रेशन 25 अगस्त को हुआ है तो क्या पीसीसी लगेगा? भाई आपका जब इमिग्रेशन हो गया तो पीसीसी किस काम का? पीसीसी नहीं लगेगा, क्योंकि इमिग्रेशन वीजा स्टंपिंग के बाद होता है, जब आपका वीजा स्टंपिंग हो जाता है तो पीसीसी का काम खत्म हो जाता है। तो आप बेफिक्र चले जाइए, आपको पीसीसी कराने की जरूरत नहीं है, बस अपना टिकट लीजिए और चले जाइए, आपको पीसीसी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और इसके अलावा आया एक सवाल हमारे पास गुरदास मान का, मुझे पीसीसी की 9 सितंबर की डेट मिल रही है, कब तक मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा? मेरा
मेरे पर कोई भी केस भी नहीं। देखिए जिस दिन आपका इंक्वायरी आ गई, आप आपके घर पे पुलिस की इंक्वायरी है, पुलिस इंक्वायरी करने के बाद हफ्ता से 10 दिन में आपका पीसीसी बन के रेडी हो जाएगा। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। जैसे आपकी इंक्वायरी खत्म होगी, हफ्ता से 10 दिन तक आपका आपका जो है पीसीसी बन के रेडी हो जाएगा। इसके अलावा दीपक कुमार का हमारे पास मैसेज आया है कि सर 2 मंथ के बाद बाढ़ का डेट मिला है पीसीसी का, और मेरा मेडिकल मोफा 2 मंथ में एक्सपायर हो जा रहा है, तो क्या करें सर जी? सर जी तो इसके दीपक भाई आपको इसमें घबराने की बात नहीं, आप पहले अपना पीसीसी कराइए, पीसीसी कराने के बाद अपना मेडिकल कराइए, मेडिकल कराने के बाद मोफा दोबारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोफा तो फिर भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके कोई खर्चे नहीं आते, ठीक है ना भाई? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, पहले पीसीसी करा लीजिए, पीसीसी कराने के बाद अपना मोफा करा लीजिए, अभी मेडिकल करा लीजिए, मेडिकल कराने के बाद अपना मोफा करा लीजिए, फिर वीजा स्टम्पिंग के लिए भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आया भाई, क्या पीसीसी के लिए यूपी के किसी भी पीएसके से डेट ले सकते हैं या फिर अपने एरिया के ऑफिस से ही होगा? ये किए हैं रंजीत कुमार भाई। रंजीत भाई आप किसी भी पीएसके से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो पुलिस स्टेशन होगा आपका एरिया के ही होगा, ठीक है ना भाई? इसके अलावा आया है जितेंद्र कुमार का एक और कि हेलो सर जी, इमिग्रेशन होने के बाद पीसीसी नहीं चाहिए ना? सर जी मेरा इमिग्रेशन 25 अगस्त को हुआ था, तो इसका जवाब शायद मैंने दे दिया हूँ आपको, ठीक है? इसके बाद बस इतना ही सवाल था मेरे पास। तो और भी कोई आपका कोई सवाल हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसका भी जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं, अभी तक के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ। वीडियो जरूर पसंद आए, पसंद और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।